नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुलाई माह के आखिरी दिन 31 जुलाई और अगस्त माह के पहले दो दिन यानी 1 और 2 अगस्त का समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास समय रहने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में शनि के और रवि के जो युति हैं इनके कारण बहुत ही गजब के संयोग बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि यश में ग्रहों की आखिर कैसी स्थिति होगी और इन सभी का असर आपके जीवन काल पर क्या होंगे, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके महीने के आखिरी दिन और महीने की शुरुआत बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। जी दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, महीने के आखिरी दिन शनिवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और भनी नाम का नक्षत्र के साथ ही शूल नाम का योग रहेगा। राहु काल का समय दिन सुबह के 9:17 से लेकर सुबह के 10:55 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्यों को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात की अर्थात 1 अगस्त की, तो दोस्तों दिन रविवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ होगी और भरनी नाम के नक्षत्र के बाद कृतिका नक्षत्र दिन प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, ये दिन वृद्धि नामक दुर्लभ संयोग बनेंगे। शुरुआत बहुत ही अच्छे योग के साथ है, बहुत ही अच्छा समय होगा। राहु काल का समय दिन शाम के 5:26 से लेकर शाम के 7:04 रहेगा। चंद्रमा मेष के उपरांत वृषभ में गोचर कर जाएंगे। वहीं दोस्तों, दूसरा दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा। 9वीं तिथि के उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ होगी, कृतिका नक्षत्र और ध्रुव नाम का दुर्लभ संयोग बनेंगे। जी दोस्तों, यह ध्रुव नाम का संयोग आपके जीवन काल में कई बड़े चमत्कार करने वाले हैं। बस राहु काल के समय सावधान रहें। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह के 7:39 से लेकर सुबह के 9:17 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में घर की साज सज्जा पर भी उसकी खरीदारी के दौरान आप खर्च होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में अधिक यश में उत्साह से दिखाई देंगे। वही दोस्तों, इस दौरान आप जो है दिल खोलकर अपना अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। वही दोस्तों, इस दौरान आप दिल खोलकर अपने जो है अच्छा खासा धन को खर्च करने में हिचकिचाएंगे नहीं। दोस्तों, इसका सकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपकी जो है छवि पर भी पड़ेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो दोस्तों, यश समय छात्रों को पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये जो दिन है अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी सलाहकार को ढूंढने, ध्यान रहे कि आप सही व्यक्ति की सलाह लें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो पुराने रुके हुए काम हैं वह बनेंगे। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए फलदायक काफ़ी तौर पर रह सकता है। किसी गुरु या फिर समझदार व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, यह समय बच्चों के साथ कुछ समय गुजार पाएंगे, उन्हें पढ़ाएं और उनके साथ जो है अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। दोस्तों, आपकी सलाह से उन्हें लाभ होगा। यह जो समय है मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा आप समय अवश्य दें सीखने सिखाने के लिए। यह जो आपके लिए दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं जिनके लिए आपको सहयोग भी मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ उन पर आप कदम यश में उठाएंगे। दोस्तों, इन दिनों में व्यावसायिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, आपकी जो है व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। आप यश में आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ की लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो समय है आप कभी नहीं जानते हैं और आप इसे वास्तव में किसी विशेष के साथ जो है शीघ्र ही संबंध प्रारंभ कर सकते हैं और यह एक जो है दीर्घकालिक संबंध की शुरुआत हो सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में परिवार में जो है सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई भी निर्णय जो है किसी बड़े सलाह से ही लें तो आपके लिए भविष्य में उनके लिए अच्छा समय रहेगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य यह समय सामान्य रहेगा। इन दिनों में आपको मेडिटेशन
या फिर पूजा पाठ में थोड़ा समय देना चाहिए। दोस्तों वहीं यह समय माताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है, या फिर दोस्तों परिवार में हल्की फुल्की तनाव हो सकती है। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली जो है रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो दिन है आपके लिए उत्साह और उमंग से भरपूर भी होगा। जीवन के प्रति सकारात्मक अभिप्राय प्रत्येक कार्य को सफलता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों यह समय आप अपनी इच्छा से कार्य को कर सकेंगे और उसके लिए अनुकूलता निर्मित होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में सामान्य रूप से जो पूरा दिन है आपके लिए अत्यंत व्यस्तता से बीतेगा, क्योंकि यश में आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है रेड बुल की एनर्जी को अपने अंदर लिए आप जो है ऑफिस की ओर चल पड़ेंगे। दोस्तों आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, इसलिए आप कामों में सुधार करते हुए वरिष्ठ लोगों की प्रशंसा भी यश में अर्जित करने वाले हैं। दोस्तों आप कठिन परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी टीम को यश में प्रेरित करेंगे, गणेश जी को ऐसा लगता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, चूंकि दोस्तों आप यश में उत्साहित रहेंगे इसलिए अपने जीवन साथी से मिलने पर भी आप कुछ उसके साथ रोमांस करने की भी चाह रखेंगे। दोस्तों यश में आप कुछ जो है उत्कृष्ट चुटकुले भी सुनाएंगे, आपके जो है मांसुक को यह काफ़ी पसंद आएगा, वो आपके शब्दों में जो पिघल जाएगा, हंसी मजाक से भरी ये जो दिन है आपके लिए गुजरेंगे। दोस्तों ऐसा गणेश जी का भविष्यवाणी है। वहीं दोस्तों यश में आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए, ये जो समय है आपके वित्तीय मामलों को लेकर जो है निश्चित रूप से अनिश्चित रहने वाली संभावना है। दोस्तों यश में आप और अधिक धन अर्जित करने के लिए दोहरे पर खड़े रहेंगे। दोस्तों आप पैसे बचाने के तरीकों को भी लेकर यश में अनिश्चित रहेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में उत्साह और आत्मविश्वास से युक्त रहते हुए आप जो है इन दिनों का सबसे अधिक फायदा उठाने के लिए अपनी ऊर्जा को जो है सही दिशा में लगाएंगे। इसके अलावा यश में आप अपने कार्यस्थल पर ईर्ष्यालुओं और दुश्मनों से सावधान रहें, अन्यथा वे प्रगति के रास्ते में बाधा भी डाल सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आप अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें, इससे जो है आप बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। विदेशों में पड़ी आपकी जो जमीन है यश में अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। दोस्तों यश में सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको जो है प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क में लगाएगा। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। दोस्तों इन दिनों में साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज़्यादा परेशानियां देंगी, कोई आपका भेजा फायदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके पास जो है खाली समय रहेगा और इन समयों का आप उपयोग जो है ध्यान और योग में लगा सकते हैं। आपको इनसे जो है मानसिक शांति का एहसास होगा। उबाऊ होते हुए भी शादीशुदा जिंदगी के लिए ये जो दिन है कुछ रोमांटिक ढूंढने की ज़रूरत होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपने जो बेडरूम में क्रिस्टल बॉल रखने से जो आपके स्वास्थ्य इसमें अच्छा होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यश में संकट से बचने के लिए राहु और केतु ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में दोस्तों यश में आपको काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल में दो रंग होना चाहिए, तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों दो रंगी कंबल को 21 बार खुद पर से वार कर उसे मंदिर में या फिर गरीब को दान कर दें। इससे दोस्तों कई तरह के फायदे होंगे और यह उपाय आपके लिए भाग्यशाली होंगे। संकट समस्याओं और आर्थिक तंगियों से इनसे आपको छुटकारा मिलेगी, तो दोस्तों इन्हें आप जरूर अपनाएं, यह आपके लिए भाग्यशाली होंगे। साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।